हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल देखिए आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं स्वेटर लेडीज़ स्वेटर जेंट्स स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं रॉन्ग साइड पे ऐसा दिखता है ये डिज़ाइन जस्ट ट्वेल रोज का डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सिक्स मल्टीपल में फंदा लेना है प्लस वन करना होगा मल्टीपल ऑफ सिक्स प्लस वन इसमें मैंने सिक्स मल्टीपल करके एटीन प्लस वन कर लिया है टोटल नाइन्टीन कर लिया है फर्स्ट रो फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है राइट नीडल पीछे से लेना है पीछे के फंदा को आगे लाना है और आगे के फंदा को पीछे अब इस फंदा को भी लेफ्ट हिंडा में लेना है फिर ये एक फंदा सीधा बुनना है इस तरह से अब एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है इस तरह से फिर चार फंदा सीधा एक दो तीन चार एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो एक डिजाइन खत्म हुआ है आपको ये रिपीट करना है बार बार दो फंदा ट्विस्ट किया फिर चार फंदा सीधा दो चार आपको ये रिपीट करना है यहाँ से फिर वही रिपीट करना है दो फंदा को ट्विस्ट करना है इस तरह से अब इस फंदा को लेफ्ट निराम लेना है फिर एक फंदा सीधा बुनना है फिर एक फंदा ऐसे पॉल वाइज स्लिप करना है फिर चार फंदा सीधा एक दो तीन चार यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है फिर से वही रिपीट करना है दो फंदा को ट्विस्ट करना है पीछे के फंदा को आगे लाना है और आगे के फंदा को पीछे अब इस फंदा को भी लेफ्ट निरा में लेना है फिर एक फंदा सीधा बुनना है अब एक फंदा ऐसे पॉल वाइज ऐसे स्लिप करना है फिर चार फंदा सीधा एक दो तीन चार फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया हैं अब सेकेंड रो सेकेंड रो सारे फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है सेकेंड रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया हैं आप थर्ड रो थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए आप एक फंदा सीधा अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है अब ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है राइट नीडल पीछे से लेना है ये पीछे की फंदा को आगे लाना है और आगे की फंदा को पीछे अब इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है फिर ये एक फंदा सीधा बुनना है फिर ये एक फंदा पॉल वाइज ऐसे स्लिप कीजिए फिर चार फंदा सीधा एक दो तीन ए चार ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो एक डिज़ाइन खत्म हुआ है आपको यही रिपीट करना है बार बार दो फंदा ट्विस्ट किया फिर चार फंदा सीधा आपको यही रिपीट करना है यहाँ से फिर वही रिपीट करना है दो फंदा ट्विस्ट किया पीछे के फंदा को आगे लाना है और आगे के फंदा को पीछे अब इस फंदा को लेफ्ट नीला में लेना है फिर ये एक फंदा सीधा बुनना है फिर एक फंदा पॉल वाइज ऐसे स्लिप कीजिए अब चार फंदा सीधा एक दो तीन, तीन, तीन चार यहाँ तक तो दो डिजाइन खत्म हुआ है फिर से वही रिपीट करना है ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है पीछे के फंदा को आगे लाना है और आगे के फंदा को पीछे अब इस फंदा को लेफ्ट नियर में लेना है फिर एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए अब एक फंदा पॉल वाइज ऐसे स्लिप कीजिए अब तीन फंदा सीधा चार फंदा का जगह तीन फंदा बचे तीन फंदा सीधा दो तीन थर्ड रो भी के कंप्लीट कर लिया है। फोर रो, फोर रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फोर रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है अब फिफ्थ रो फिफ्थ रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए अब दो फंदा सीधा एक दो अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है अब ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है राइट नीडल पीछे से लेना है ये पीछे की फंदा को आगे लाना है और आगे की फंदा को पीछे अब इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है फिर एक फंदा सीधा बुनना है इस तरह से फिर ये एक फंदा ऐसे पॉल वाइज ऐसे स्लिप कीजिए। आप चार फंदा सीधा एक दो तीन एक चार ये तीन फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो एक डिज़ाइन खत्म हुआ है आपको ये रिपीट करना है बार बार दो फंदा को ट्विस्ट किया फिर चार फंदा सीधा आपको यही रिपीट करना है यहाँ से फिर वही रिपीट करना है ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है अब एक फंदा सीधा बुनना है फिर एक फंदा ऐसे पॉल वाइज ऐसे स्लिप कीजिए अब चार फंदा सीधा एक दो तीन एक चार यहाँ तक तो दो डिजाइन ख़त्म हुआ है लास्ट में आपको चार फंदा बचेगा अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना है फिर अब इस फंदा को लेफ्ट नियर में लेना है फिर एक फंदा सीधा अब एक फंदा ऐसे पॉल वाइज ऐसे स्लिप कीजिए अब दो फंदा सीधा एक दो फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है अब सिक्स रो सिक्स रो सब उल्ट फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है सिक्स रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है आप सेवन रो सेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए अब तीन फंदा सीधा एक दो तीन आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्ट्रा करना है ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है राइट नीडल पीछे से लेना है ये पीछे के फंदा को आगे लाना है और आगे के फंदा को पीछे अब इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है फिर एक फंदा सीधा बुनना है फिर एक फंदा ऐसे पॉल वाइस ऐसे स्लिप कीजिए फिर चार फंदा सीधा एक दो तीन चार चार फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो एक डिज़ाइन खत्म हुआ है आपको ये रिपीट करना है बार बार दो फंदा ट्विस्ट किया फिर चार फंदा सीधा आपको ये रिपीट करना है यहाँ से फिर वही रिपीट करना है दो फंदा को ट्विस्ट करना है राइट नीडल पीछे से लेना है ये पीछे के फंदा को आगे लाना है और आगे के फंदा को पीछे अब इस फंदा को लेफ्ट निरम लेना है फिर एक फंदा सीधा बुनना है फिर एक फंदा ऐसे पॉल वाइज ऐसे स्लिप कीजिए फिर चार फंदा सीधा एक दो तीन एक चार यहाँ तक तो दो डिजाइन खत्म हुआ है लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा अब ये दो फंदा ट्विस्ट करना है अब इस फंदा को लेफ्ट निरम में लेना है फिर एक फंदा सीधा बुनना है फिर एक फंदा ऐसे पॉल वाइस ऐसे स्लिप करना है फिर एक फंदा सीधा सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है अब एट रो एट रो सब उल्टा, उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है एट रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है अब नाइन रो नाइन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए अब चार फंदा सीधा एक दो तीन एक चार अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है राइट नीडल पीछे से लेना है पीछे के फंदा को आगे लाना है और आगे के फंदा को पीछे अब इस फंदा को लेफ्ट निर्म लेना है फिर एक फंदा ऐसे सीधा बुनना है अब एक फंदा ऐसे पॉल वाइज ऐसे स्लिप करना है फिर चार फंदा सीधा एक दो तीन एक चार दो चार पाँच ए पाँच फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो एक डिजाइन खत्म हुआ है आपको यही रिपीट करना है बार बार दो फंदा को ट्विस्ट किया फिर चार फंदा सीधा आपको यही रिपीट करना है यहाँ से फिर वही रिपीट करना है दो फंदा को ट्विस्ट करना है राइट नीडल पीछे से लेना है पीछे के फंदा को आगे लाना है और आगे के फंदा को पीछे अब एक फंदा ऐसे सीधा बुनना है फिर एक फंदा ऐसे पॉल वाइज ऐसे स्लिप करना है फिर चार फंदा सीधा एक दो तीन एक चार यहाँ तक यहाँ तक तो दो डिजाइन खत्म हुआ है लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा अब ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है फिर ये दो पीछे के फंदा को आगे लाना है और आगे के फंदा को पीछे अब इस फंदा को लेफ्ट में लेना है फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है एक दो नाइन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है अब टेन रो टेन रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है टेन रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है अब इलेवेन रो इलेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए अब पांच फंदा सीधा एक दो तीन चार ए पाँच अब ए अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है राइट नीडल पीछे से लेना है अब इस फंदा को लेफ्ट नियम में लेना है फिर एक फंदा सीधा बुनना है फिर एक फंदा ऐसे पॉल वाइज ऐसे स्लिप करना है फिर चार फंदा सीधा एक दो तीन ए चार दो चार छः छः फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो एक डिज़ाइन खत्म हुआ है आपको ये रिपीट करना है बार बार दो फंदा ट्विस्ट किया फिर चार फंदा सीधा आपको यही रिपीट करना है यहाँ से फिर वही रिपीट करना है दो फंदा को ट्विस्ट करना है राइट नीडल पीछे से लेना है अब इस फंदा को भी लेफ्ट नीडल में लेना है एक फंदा ऐसे सीधा सि बुनना है फिर एक फंदा ऐसे पॉल वाइज ऐसे स्लिप करना है फिर चार फंदा सीधा एक दो तीन चार यहाँ तक तो दो डिजाइन खत्म हुआ है लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा एक फंदा सीधा इलेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है अब ट्वेल्व रो ट्वेल्व रो सब उल्टा के कंप्लीट करना है ट्वेल्व रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है देखिए ये डिज़ाइन जस्ट ट्वेल्व रोज का है ट्वेल्व रोज में ऐसा डिज़ाइन बन के आएगा और फिर से रो वन से टूवेल्व तक रिपीट करके जाना है जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिज़ाइन ऐसा बन के आएगा लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सबसे करना मत भूलिएगा थैंक यू